Ei, bem, guerra. तो और भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और वापस आ गए एक और नए वीडियो के साथ। और भाई, ये जो मैच है ये बहुत ही इंटेंस मैच था विथ रैंडम प्लेयर्स के साथ। भाई मैं आता तो हूँ पूरी की पूरी स्क्वाड लेके, बट तुम देखना आगे आगे ये सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच हो जाता है। और भाई रैंडम का मतलब रिएक्शन देखना एंड तक, भाई तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड अरे तक मैंने देखना। देखा था देखा अब आ था, चुके हैं जॉर्जर पुल में। जॉर्जर पुल में लूट मैंने के नाम पे देखा कद्दू देखा कुछ नहीं मैंने मिलता है, ये सभी को पता है। फिलहाल हाथ लग चुकी है डीपी, और भाई अभी तुम्हें बहुत ही शानदार स्प्रे देखने को मिलेगा डीपी का। भाई बस इसीलिए ये डीपी मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। फिलहाल तो उस बंदे को मैंने नॉक एंड फिनिश पूरा ही कर दिया है। अब इसके बाकी बंदों की तलाश करते हैं और उन्हें भी। अब भाई वेयर हाउस के पीछे से कुछ फायरिंग के साउंड्स आते हैं, तो चल के देखते हैं भाई कौन किस पे अत्याचार कर रहा है। उनकी रक्षा करते हैं और दोनों की रक्षा करेंगे भाई। फिलहाल तो जब मैं वेयर हाउस आता हूँ तो कोई मेरे को दिखता है नहीं, तो मैं अगर मेरा राइट साइड क्लियर है तो फिर बंदे किधर हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में। तो भाई बंदे लेफ्ट साइड में ही थे, ये इन दो जो घरों के बीच में। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि भाई यहाँ से ओपन में रश नहीं हो सकता है। देखो अब क्या दिमाग लगाते हैं। अभी अभी मेरे टीममेट ने एक बॉट को क्लियर किया था, और भाई सामने की तरफ एक कुछ एनिमी दिख जाते हैं, जिसमें से एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ और एक को एक का किल चुरा लेता हूँ। और फिलहाल अभी मैं सामने तरफ रश करना था, ये मेरे पास मौका था, लेकिन भाई मैं ऐसे खुले में रश नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्री फायर देते देते जा रहा था ताकि बंदा पीक करे तो गोली लग जाए या फिर वो पीक ना ही कर पाए। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, और भाई मतलब ये क्या हुआ भाई मुझे कुछ नहीं पता चला। फिलहाल तो शेर हो गया था ढेर, और भाई फटाफट डिवाइव होते हैं और फिर निकलते हैं। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेरे पास हीलिंग भी नहीं है। अब भाई हीलिंग के नाम पे तो कुछ नहीं था सिवाय एक सस्ता सा इंजेक्शन लगाने के अलावा। अब इसे ही लगा के फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। फिलहाल तो फटाफट डीपी रिलोड करते हैं, क्योंकि भाई कुछ बंदों के फुटस्टेप आ रहे हैं जो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और भाई इसे पूरा ही मैं फिनिश करके जाऊंगा भाई। जितनी देर में इसको फिनिश करते देर में मेरा भी एक रैंडम टीममेट नॉक हो चुका था। अब बारी थी इन्हें भरने की। अब देखो भाई इन्हें कैसे भरता, मतलब इतनी सी हेल्थ में कैसे लेके जाता हूँ भाई। अगर मज़ा आया हो ना तो भाई प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर आजा देना। आजा आजा फिलहाल तो आजा इन्हें मस्त समय लूट चाहिए भाई, क्योंकि लूट के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे और यहाँ से मुझे मिल जाती है बैरल, और भाई जो कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला यार। अभी मैं बस हील ही कर रहा था, लेकिन तभी सामने से कुछ फायरिंग की साउंड आती है। कुछ लोग बॉट पे बहुत बुरा अत्याचार कर रहे थे। अब बॉट देवता की रक्षा तो करनी पड़ेगी। और भाई सीरियसली मतलब इस मोमेंट पे ना मैं अपने डीपी को बहुत मिस कर रहा था, कि काश मैंने बैरल की जगह पे डीपी ही पकड़ी होती, तो फिलहाल एक आध को तो नॉक कर ही जाता मैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है, और तभी मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, और भाई वो बंदा भी दिख गया था, और मैं 3x से मार रहा हूँ। अब मतलब देखना भाई बहुत इसे मुश्किल से कैसे मार मैं रहा था मारता मतलब हूँ। हेल्थ है। मतलब जनरली भाई ये शॉट लगता नहीं है, क्योंकि भाई क्योंकि हम उस समय एनिमेशन में रहते हैं और सामने वाले बंदे के पास एडवांटेज रहता है, लेकिन फिलहाल मैं जैसे तैसे उसे मार देता हूँ। और फिलहाल थी बाकी सारे सामने वाले कोई बात नहीं स्क्वाड्स कोई की। बात भाई नहीं। इन्हें मारने के लिए मैं सामने से तो आ नहीं सकता था, क्योंकि भाई इनके पास पूरा का पूरा एडवांटेज था, इसलिए मैं पूरा गाड़ी घुमा के राइट की तरफ से पूरा फ्लैंक करके मैं आता हूँ। अब इन्हें ढूंढते हैं और देखो इन्हें कैसे भरते हैं। अभी मैं इनको ढूंढ ही रहा था, लेकिन तभी अचानक पीछे की साइड से फायर हो जाता है। अच्छा वो उन्होंने अपनी लोकेशन खुद दे दी। अब बस फिलहाल तो मैं जब मैं पीछे की साइड में आता हूँ तो सिवाय पेटी के अलावा कुछ दिखता नहीं, तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई बंदा आसपास में ही कहीं है। भाई यार क्या तभी एक सीन और था फायर वो तो। की साउंड आती है।
अब इन भाई साहब को लग रहा था कि मैं अभी भी उधर से ही आऊँगा, बट मैंने तो लोकेशन चेंज कर दी थी। और भाई कसम से मतलब यहाँ पे भी मेरी जान जाती जाती बच गई, मतलब मैंने एमओ तब ध्यान ही नहीं दिया कि भाई मेरे पास एमओ ख़त्म हो गई, मतलब मैंने सिर्फ 17 गोली में से क्लियर करा। अब भाई यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ तक तो ठीक था यार, रैंडम प्लेयर आपके साथ रहते, जिंदा आते आपके साथ खेल लेते। जनरली क्या होता है कि भाई रैंडम प्लेयर मर जाने के बाद गेम छोड़ के चले जाते हैं, हालांकि एक प्लेयर चला गया था मेरा बहुत पहले ही, लेकिन बाकी जो दो रैंडम प्लेयर थे यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। और भाई लिटरली बताऊँ तो ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट मैच था। फिलहाल तो भाई मैं आ चुका हूँ पोचिंग की सभी कैंपर्स की फेवरेट जगह, और भाई पोचिंग की बंदे ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है, कभी कभी नहीं होता है भाई। आज भगवान की दया से मिल गए और फायरिंग भी हो गई थी। अब भाई मैं यहाँ पे गाड़ी रोक देता हूँ क्योंकि भाई बंदों की लोकेशन पता नहीं थी, और गाड़ी घुमाने का मतलब था कि बंदे को मेरी लोकेशन पता चल सकती है, और भाई कैंपर्स तो वैसे ही हैं। फिलहाल इस गाड़ी को मैंने इतनी दूर खड़ी करनी थी ये नहीं सोचा था मैंने। फिलहाल जब फायरिंग के और नज़दीक में पहुँचता गया तो मुझे पता चल गया कि बंदे स्क्वाड हाउस में हैं। और भाई मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि भाई इसको मारने में ना, मतलब ये जो बंदे हैं इनको मारने में ना, मतलब क्या ही मेरा इन्होंने टाइम खाया, मतलब पूरे दो जोन मेरे को सरवाइव कराया इन्होंने। अब फिलहाल वहाँ पे तो एक नॉक कर दिया था मैंने, और भाई आप लोग ये सोच रहे होगा कि भाई तूने नॉक कर दिया तो तूने रश क्यों नहीं किया, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ मैं भाई मैंने रश क्यों नहीं किया। ये फिर नॉक, और भाई अब मैंने सोचा कि मुझे रश करना है तो मैंने स्मोक करा, लेकिन भाई तभी उसे कवर देने के लिए ऊपर से कोई था। और भाई अगर इस स्क्वाड हाउस में रश करना था तो उसके लिए मेरे को चाहिए थी गाड़ी, और मैंने गाड़ी रखी थी पीछे, अगर मैं उसे लेने जाता तो भाई बंदे लोकेशन चेंज कर देते या फिर मुझे ही निपटा देते। तो फिलहाल मैं फटाफट आता हूँ वापस उसी जगह पे, और भाई यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना फास्ट फॉरवर्डिंग। और भाई तुम देखना कैसे इन्होंने मेरे को परेशान किया था भाई, पूरे दो जोन सर्वाइव कराए इन्होंने। Later. और भाई फाइनली अब जाके इतने ओपन में एक बंदा आया। और भाई मैं रश इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि भाई मेरे पास नेड नहीं थे और प्लस स्मोक भी नहीं था, अगर मैं ओपन में जाता तो भाई मेरी पेटी बन जाती। और मैंने लास्ट टाइम भी एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने सेम मिस्टेक किया था। अब भाई फिलहाल तो उस बंदे को पूरा नॉक एंड फिनिश कर देते हैं, और अब बारी थी इनके बाकी बंदों की, लेकिन बाकी के बंदे यहाँ से निकल चुके थे। तो भाई मैं भी गाड़ी निकालता हूँ और इधर उधर राउंड मारने लगता हूँ कि क्या पता कोई कैंपर बच्चा हो जो जोन से बाहर आए। फिलहाल तभी एक बंदा दिखता जो मेरे को जोन से बाहर आ रहा था, और भाई डैमेज तो उसको जोन ने किया ही होगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा मैं उठा लेता हूँ। फिलहाल उसे लूटते हैं और फिर चलते हैं आगे बंदों की तरफ।
अब हेल्थ वेल्थ कम थी तो भाई फटाफट हीलिंग करते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। लेकिन भाई तभी ऊपर की तरफ कुछ बंदे स्पॉट होते हैं और ये वही बंदे थे जो स्क्वाड हाउस में थे। अब देखो भाई इन्हें कैसे कैसे मारता हूँ। अब भाई इस वाले क्लच में अगर मज़ा आना तो भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, मुझे सब्सक्राइब बटन चाहिए। तो भाई कुछ ऐसा था रिएक्शन मेरे टीममेट्स का। और भाई तभी सामने की तरफ से फायरिंग होती है और भाई मेरे पास सबसे अच्छा मौका ये था कि भाई मेरे पास था हाई रिच का एडवांटेज। फिलहाल तभी एक बंदा नागिन बना हुआ था वो तो स्पॉट हो जाता है। फिलहाल तो इसे नॉक किया और पूरा का पूरा फिनिश मार देंगे। तभी इसका टीममेट भागते हुए आता लेकिन कहीं छुप जाता तो कोई फायदा नहीं था। और भाई अब जो है तबाही है ना, मतलब सामने वाले बंदे के पास पड़ी है M249, मेरे पास नॉर्मल सी गन M416। और भाई वो बचे हैं 3, मैं बचा हूँ 1। मतलब टोटल देखो क्या ही ये अच्छी कंटेनर में ले पाऊंगा या कि नहीं। मतलब लास्ट टाइम तो मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड का अच्छी कंटेनर नहीं ले पाया था, लेकिन क्या इस बार मैं ले पाऊंगा कि नहीं कमेंट करके यही बता दो भाई मैं ले पाऊंगा कि नहीं। अब भाई सामने वाले के पास M249 थी तो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो पहला ऑप्शन कि मैं उस M249 वाले को गाड़ी से दबा दूँ, या तो फिर दूसरा मेरे को कवर मिल जाए। क्योंकि भाई अगर M249 वाले के सामने मैं गाड़ी दौड़ाऊंगा ना तो भाई मेरी मतलब गाड़ी में ही मेरे को जला के वो राख कर देगा। फिलहाल मैं सबसे पहले प्लान ए पे जाता हूँ तो जो कि फेल हो जाता है, मतलब कोई दबता ही नहीं गाड़ी से। अब सामने कवर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये पेड़ था और मेरी गाड़ी से भी धुआं निकल चुका था। तो अब देखो भाई फिलहाल इसी वाले बंदे के पास M249 थी। भाई सुपर मजा आ गया, सुपर मेरे भाई सुपर यार। तो मेरे भाई यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो प्लीज़ जाकर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।